राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ज्यादा टेस्टी गुलाब जामुन। आप इस भाई दूज पर गुलाब जामुन इस तरीके से जरूर बनाना, बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं ये। और इसे बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ 15 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाते हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने घर पे बनाए हैं, बिल्कुल हलवाई की तरह बनेंगे। आप इसे एक बार इस तरीके से जरूर बनाना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बड़ा बर्तन के अंदर 500 ग्राम खोया लिया है, जिसे हम मावा भी बोलते हैं, ये फीका मावा है ये। और अब यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम मैदा। तो मैदा हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले इसमें आधा मैदा डाल रही हूँ और आधा को साइड में रख रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से मसल लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट करना है खोया को अच्छे से मसलते हुए, ताकि हमारे गुलाब जामुन है वो भी अच्छे से सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छे से मसल लिया है और 5 मिनट बाद जो बचा हुआ मैदा था हमारा वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम इसे और मसल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे 3 मिनट तक और मसल लिया है, कुल मैंने इसे 8 मिनट तक अच्छे से मसल लिया है। आप देख सकते हो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मिनट के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ केसर, केसर बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसी के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 कुटी हुई इलायची के दाने। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हाथ से मसलते हुए, और डो को एक बार अच्छे से मसल लेंगे। और तो यहाँ पर मैं इसे 1 मिनट के लिए और गूंद रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने इसे कुल 9 मिनट तक अच्छे से मसला है और 9 मिनट में आप देख सकते हो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल गुलाब जामुन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे एक जगह और किसी बर्तन से इसे ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम इसमें चीनी डाल रही हूँ मैं, और जिस बर्तन से मैंने चीनी ली है उसी बर्तन से मैं यहाँ पे 1.5 कटोरी यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। चाशनी हमें इतनी बनानी है कि हमारे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से डूब जाए इसके अंदर। तो आप देख सकते हो हमारे जो चाशनी है इसके अंदर उबाल आ गया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 कुटी हुई इलायची, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है गुलाब जामुन का, आप इसे जरूर डालें। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो आपके हिसाब से। तो चीनी को अच्छे से गुलने तक मैंने इसे पका लिया है, चीनी अच्छे से गुल गई है। चीनी अच्छे से गुलने के बाद में इसे 2 मिनट तक और पकाना है हमें। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट तक और पका लिया है, और हमें अब यहाँ पे चाहिए बिल्कुल चिपचिपी चाशनी चाहिए, हमें कोई तार नहीं बनाना है इसमें। तो आप देख सकते हो बिल्कुल चिपचिपी चाशनी बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ दूसरे गैस पर मैंने यहाँ पे रख दी है एक कढ़ाई, और इसमें हम डाल देंगे घी। आप चाहो तो इसे तेल में बना सकते हो, लेकिन घी में बहुत अच्छे बनते हैं हलवाई की तरह। तो घी को बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने चढ़ा दिया है गैस पर, कि हमारा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम घी गर्म रखना है हमें। और दूसरी तरफ जो हमारा गुलाब जामुन के लिए हमने जो डो लगाया था इसे भी रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो एक बार अच्छे से मसल लेंगे इसे, और अब हम छोटे छोटे गुलाब जामुन के साइज में इसे तोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे छोटे साइज में इस तरीके से तोड़ लिया है, और अब हम इसमें से एक डो लेंगे छोटा सा, और इसका गोल गोल गुलाब जामुन बनाएंगे दोनों हाथ की मदद से। आप वीडियो में देख सकते हो इस तरीके से। तो एक मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये कितना गोल गोल बना है। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। और अब हम चलते हैं घी की तरफ। तो घी हमारा मीडियम गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है घी को। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक एक करके गुलाब जामुन, जितने कढ़ाई में आ रहे हैं आप उस हिसाब से उतने ही डालें, इसमें ज़्यादा नहीं डालें। तो यहाँ पर मैं पहले इसमें 9 से 10 डाल रही हूँ। तो गुलाब जामुन डालने के बाद में इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है चम्मच या किसी से भी, इस तरीके से हम कढ़ाई को हिलाएंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आ गया है गुलाब जामुन पर, और अभी तक मैंने इसे टच नहीं किया है। अच्छे से फ्राई होने के बाद में निकाल लिया है और गर्मा गर्म चाशनी के अंदर डाल दिया है। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई मेरे से। तो यहाँ पर मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको,
मैंने उसी तरीके से कढ़ाई के अंदर जो है गुलाब जामुन डाल दिया है। तीस से चालीस सेकंड बाद में हम इस तरीके से कढ़ाई को चलाएंगे ताकि अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो जाए। तो देख सकते हो आप, मैंने बिल्कुल भी अभी तक इसे टच नहीं किया है, बस इस तरीके से मैं दोनों हाथ की मदद से कढ़ाई को चला रही हूँ और कितने अच्छे से गुलाब जामुन के ऊपर कलर आ गया है, दिख रहे हैं ना गुलाब जामुन हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो इनको ज़्यादा कलर चेंज होने तक फ्राई नहीं करना है, बस आप जिस तरीके से आप देख रहे हो गुलाब जामुन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आपको मैं दो पास से दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से होने के बाद में हम इसे निकाल लेंगे, एक बार इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पे मैं अभी इसे निकाल लूंगी, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ये, देखा ना आपने इसे बनाना कितना आसान है और कितने गोल गोल हमारे गुलाब जामुन बने हैं। तो निकालते टाइम, निकालने के बाद में हम इसे कढ़ाई के ऊपर रोक के रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो कढ़ाई के अंदर चला जाए। और इसे घी से निकालने के बाद में हम इसे डालेंगे गर्मा गर्म चाशनी के अंदर, इसको रखना नहीं है, डायरेक्ट चाशनी में डालना है हमें। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए इनका भी कितना अच्छा सा कलर आ गया है, इनको भी मैंने ठीक वैसे ही फ्राई किया है। तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे और इसे भी हम डायरेक्ट चाशनी के अंदर डालेंगे निकालने के बाद में। और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो ये देखिए आप देख सकते हो सिर्फ 500 ग्राम खोया से कितने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं घर पर। आप इसे एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करना है इस भाई दूज पर, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये और इसे बनाना कितना आसान है। तो आप इसे एक बार जरूर बनाना, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।